मेरा नाम सलमा है। माफी चाहती हूँ, सलाम करना भूल गई। सलाम। अलैकुम अस्सलाम। क्या क्या कह रही थी? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर चाहो तो भेड़ों की रखवाली करूँ, या अगर बीमार हो तो उनका ख्याल रखूं, या अगर तुम चाहो तो बाजार जाकर उनका दूध बेचो। बस तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। क्या तुम्हें औरतों के साथ बात करने की तमीज भी नहीं है? क्यों बात नहीं कर रहे हो? औरतों से परहेज करते हो क्या? सुन नहीं रहे हो? गूंगे बहरे हो क्या? कुत्ते से इसलिए नहीं बचाया कि खुद नफ्स के चंगुल में फंस जाऊं। तुमने मुझे कुत्ते से बचाया है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? यहां से चली जाओ। बस सिर्फ इतना ही? नहीं, तुम यहां रोज आती हो, किसी काफले की तरह के जिसका सामान खो गया हो, या शायद तुमने किसी को गुम कर दिया है। यहां से चली जाओ और दोबारा वापस ना आना। रुको, यमन उस तरफ है। हाँ, इस तरफ। ए, हमें थोड़ा सा पानी दो। लगता है बहरा है और अंधा भी। ये क्या कर रहा है? इसे देखकर मुझे लग रहा है शायद जैसा कि खानकाई किया करते हैं, इबादत। इबादत? नहीं सुन रहा है। किस बुत के सामने? ये कैसी इबादत है? अगर झुके फिर खड़ा होकर जमीन पर फिर से झुक जाए तो बताऊंगा कौन सी इबादत है। अजीब है, उसने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। क्या तुम जानते हो ये कौन सी इबादत है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह किसका मानने वाला है, तुम उसके गर्दन तो नहीं उड़ा दोगे? माँ।
कहीं ये उसी अनपढ़ अरब को मानने वाला तो नहीं है जिसने हम ईरानियों के खुदा खुसरू की शान में गुस्ताखी की है। इसका पैगंबर भूतों को नहीं मानता और लड़कियों को जिंदा दफन करने के भी खिलाफ है। सलाम सलाम हो तुम पर। थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां आराम कर लीजिए। खुश आमदीद। क्या बात है, किससे भाग रही हो? लुटेरों से, यहाँ से चले जाओ। वाह वाह, कुर्बानी का गोश्त हो तो बचा कुचा तो मिल ही जाता है, और जुबैर को भी वही होना चाहिए। चल चल चल, अरे जल्दी चल। इसका कहने का मतलब क्या था? क्या कहा? कहा कि उसका खुदा मेरी और तुम्हारी समझ से बड़ा है। अब कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, जैसा कि बिल्कुल यहाँ है ही नहीं। किसे और कहां देख रहे हो जिसे मैं नहीं देख रहा हूं? हैं? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिक्के यहां पर भी है। वाह वाह, ये तो गुनाह है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें यहां ऐसे नहीं छोड़ सकता। बुत परस्त तरफ खौफनाक होता है, लेकिन ये अरब रहम दिल है। वाह, क्या शानदार चीज है। Ah!
खड़े हो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसे कहाँ ले जा रहे हो? इस बेचारे बेगुनाह बच्चे को कहाँ खींच कर ले जा रहे हो तुम लोग? कैद खाने, ताकि ये सुधर जाए। कैद खाने में? किस जुर्म में? चोरी। चोरी? इतने बड़े बाजार में यही एक चोर मिला क्या? क्या है, कहाँ है, कहाँ है वो दिरहम और दीनार जो इसने चुराए हैं? शोर क्यों मचा रही है? बताओ कहाँ है वो चोरी का माल? आओ जमा कर लो वो दिरहम और दीनार जो ऊंट की मेंगनियों की तरह गिर रहे हैं, ले जाओ। मदारी हो क्या तुम? यहाँ तमाशा करना चाहती हो? हाँ मैं तमाशा कर रही हूँ, सही है, लेकिन इसका चोरी किया हुआ माल कहाँ है? कहाँ है बोलो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जो भी हो तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, तुम ना आशिक हो ना ही सच्चे। मैंने कई बार कहा है मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ही बेहतर है। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? परचम नहीं दिखाई देता, हम ईरान से आए हैं। वो कौन है? ये लड़का चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। यहां सामने आओ, मैं भी तो देखूं। इसे छोड़ दो। महल का रास्ता किस तरफ है? उस तरफ। चलो। परवरदिगार ईरान के कासिद दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। आ जाएं। सलाम यमानियों में शाह ईरान के मुअज्जज नुमाइंदे हाकिम यमन बाजान पर। ईरान के खुदा के नाम, हिजाज की सरजमीन में किसी अनपढ़ अरब ने पैगंबरी का दावा किया है और खत के जरिए मुझे ईरानियों के परवरदिगार को अपने दीन की दावत दी है और गुस्ताखी में हद अदब से गुजर गया जब उसने खत में अपने खुदा और अपने नाम को मेरे नाम के ऊपर लिखा, कौन मुझसे बरतर व बाला तर है। लिहाजा तुम उसे तौबा करने पर पूरी तरह से मजबूर कर दो और अगर ऐसा ना करें तो उसका सर काट कर मुझे भेज दो। शाह शाहान खुसरू परवेज, बादशाह ईरान। ये अरब जिन्हें खाने पीने की तमीज नहीं, ये सेहरा नशीं बद्दू अरब जिनके पास प्याज और जौ की सूखी रोटी के अलावा खाने पीने को और कुछ भी नहीं है, ये अरब ऊंटों की पीठ पर बैठते हैं और शर के तलबगार हैं और नहीं जानते शेर हैं। खुसरू परवेज शाह ईरान, जिसका नाम सुनते ही रूमियों की भी रूह थरथरा जाती है। बताओ माजरे की तफसील क्या है? पैगंबर मुस्लिमीन। पैगंबर?
उस अनपढ़ अरब ने हमारे परवरदिगार को लिखा है कि इस्लाम ले आओ ताकि निजात पा सको और तुम्हारी रैयत के गुनाह जो मजूसी बाकी रह जाए तुम्हारे सर न आए। और बादशाह ईरान ने उस अरब के खत को फाड़ दिया और जवाब के तौर पर उसे मुश्क व अंबर से महका के उसी को लौटा दिया। बस तुम लोग जाओ आराम करो। उस सन पर अरब के साथ क्या करना है वो बाजान पर छोड़ दो। बाबू ये और खुसरो को कह दो कि यसरिब जाने की तैयारी करें। बाजान के कासिद यसरिब जा रहे हैं, वो भी किसी पैगाम के बगैर। हमारा पैगाम वही है जो परवरदिगारे ईरान खुसरू व खुसरवान परवेज ने भेजा है। या तो ये अनपढ़ अरब तौबा करें या फिर हमारे साथ जंग के लिए आमादा हो जाएं। अस्सलाम अलैकुम या रसूल। एक तरफ वो अनपढ़ अरब है जिसकी ताकत कहते हैं आसमानों से आती है, और दूसरी तरफ बाजान और ईरानियों का लश्कर। रह गए तुम हारिस शाहे यमन, इस जमीन और उस आसमान इनके दरमियान क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? ये तख्त लकड़ी है और ये महल पत्थरों का पहाड़। पता नहीं ये सब मेरे सर पर क्यों नहीं ढेर हो जाता। वो भी होगा अगर हारिस वारिस ना होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है, होशियार रहो। होशियार रहो, कहीं गुलाम ना बनो। ना खुद ना तुम्हारी औलाद के जिन्हें नस्ल दर नस्ल हुकूमत करनी है। जादूगर लगता है वो। मारो सबको पकड़ के, मारो किसी को मत छोड़ना। मारो 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 मारो। सलमा 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 सलमा, क्या हुआ कैस? सलीम बनी उमैर के बच्चों के साथ झगड़ा हो गया है। सलीम जख्मी हो गया है। जख्मी है?
कहाँ पर है? नीचे गली में, उसी पागल के साथ है। किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ? अगर इख्तलाफ ही है तो क्यों यहाँ से गुजरते हो? मोहल्ले को खरीदा है क्या? मेरे बाप को उन्होंने ही मारा है। मारा है? मेरे चाचा ने उनके यहाँ शादी कर ली और मेरे बाप का खून माफ कर दिया। तुम्हारा चाचा कौन है? इब्ने उदय। बेकार की बातें करते हैं। कहते हैं तुम्हारी बहन सलमा अगर इब्ने अखनस से शादी कर ले तो तुम्हारे बाप का खून पामाल नहीं होगा। हमारे खानदान के बड़े हैं, मेरे बाप के कातिलों की धौंस सुनते हैं, फिर मुझ पर और मेरी बहन सलमा पर धौंस जमाते हैं। धौंस ना जमाओ, ना किसी पर जुल्म करो, ना ही जुल्म के सामने अपना सर झुकाओ। मेरे मौला, मोहम्मद का कहना है, उनका नाम सुना है? मोहम्मद? हाँ। ओवेस आ गए। सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आया है। क्या कहा मेहमान? जी हाँ माँ, माँ देख नहीं पाती लेकिन सब दिखता है। उसका नाम सलीम है, सलाम नहीं करोगे? सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम, खुश आम। आ रही थी तो आसमान में दो परिंदों को देखा। एक परिंदा दूसरे के पीछे, जब एक उड़ता था तो दूसरा भी उसके पीछे उड़ने लगता। जहां एक बैठता था वहीं दूसरा परिंदा भी बैठ जाता था। इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ। अगर तुम किसी ऐसे की तलाश में हो जो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर करे। मैं भाई की तलाश में हूँ। मैं फिर से सलाम करना भूल गई। सलाम। सलाम। सलीम यही है क्या? हाँ, तुम्हारा भाई हमारा मेहमान है। दावत है क्या? हाँ दावत है। हमारी जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहाँ वो रहता है मैं भी वही रहती हूँ। एक और मेहमान है माँ। खजूर, ये दरी मेरी प्यारी माँ के लिए। आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूं। मेरी माँ बहुत अच्छी बातें करती है, वो अपने दिल की आंखों से देखती है। कहाँ गए? छत पे। क्यों? रसूल खुदा के मौजिन बिलाल हबशी जब अजान देते हैं तो जाता है। वो रोजा है। यहाँ से यसरीब की अजान सुन लेते हैं? यहाँ से? यमन से? Thank you.
ओवैस ने पैगंबर को देखा है? नहीं, वो आज तक यमन से बाहर कहीं नहीं गया है। क्यों, लेकिन वो तो रसूले खुदा के आशिक हैं। यसरिब जाकर रसूले खुदा को देख लें। अपनी मजबूर बूढ़ी माँ की वजह से मेरी आंखें ज़ईफ है और मुझे कुछ नहीं दिखता है। अगर पत्थर से दूध का चश्मा फूटता तो मैं भी रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हो सकती, लेकिन ओवेस कहता है यसरीब गए बिना और मोहम्मद को देखे बगैर भी वो जानता है और देखता है कि मोहम्मद कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, किस तरह का लिबास पहनते हैं, यहाँ तक कि उनकी खुशबू को भी महसूस करता है। खुरमे का खेमाम था, टूट गया क्या? नहीं, मैंने संभाल लिया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं। देख रही हो बेटा, मैंने अपनी आंखें दे दी जब जाके ये कमरा ऐसे सजा है। वो तो सब कुछ बांट देना चाहता था, मैंने रोक लिया। दिन रात यही सोचती कि शायद इसे देख के ओवेस के दिल में ये बात आ जाए कि माँ के भी कुछ अरमान है और दुल्हन के दीदार से मेरी आंखें रोशन हो जाए। क्या कहा, दुल्हन आ गया? आ गया माँ। मेरे भाई बिलाल की अजान, आज फिर उसने अशहद को असहद कहा और है को है। क्या ये पागल नहीं? अपना मुंह बंद रखो, जो भी कहे ओवेस पागल है वो खुद पागल है। आओ आओ लोगों, आओ देखो देखो क्या लाया हूँ, एकदम सस्ते में 10 दिरहम। ये दरी सुर्ख ऊंट के आला ऊन से बनी हुई है, खरीदो 10 दिरहम, 10 दिरहम, दरी सिर्फ 10 दिरहम, कोई नहीं है खरीदने वाला, सिर्फ 10 दिरहम। खूबसूरत दरी, उम्दा नक्श, जुबैर के हाथों से बनी दरी, दरी ले लो 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम। इसके कितने दिरहम? गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के 10 दिरहम, और तुम पूछ रहे हो कि कितने दिरहम? 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम, बारीकी से बनी हुई, जुबैर के हाथों से बनी हुई। बोलो खरीदना चाहोगे? बहुत अच्छा, खरीदूंगा, मैं अभी 10 दिरहम लेकर आता हूँ। सुनो भाई, जब तुम्हारे 10 दिरहम के छन छनाने की आवाज जुबैर के हाथ में आने लगे, उस वक्त तुम दरी ले जा सकते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ए भाई, एक बात सुनते जाओ। मेरे दादा ने मुझे एक बहुत अच्छी नसीहत की थी, जब खुदा को देखना चाहो तो अपनी आँखें बंद कर लो, और जब उसकी आवाज सुनना चाहो तो अपने कान बंद कर लो। दादा ने बहुत अच्छी नसीहत की है। तुम्हारे बाप ने कब से दरी बनाना शुरू कर दिया? ये दरी तो जानी पहचानी लगती है, कहीं ओवेस की तो नहीं है? पता नहीं, कल रात घर आए तो ये दरी साथ लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए। सुर्ख ऊंट के ऊन से बनी, 10 दिरहम, 10 दिरहम, 10 दिरहम। आ गए तुम? जाओ।
ओए सुन। कौन है बेटा? तुम खजूर बेचने वाले हो या चरवाहे? चरवाहा जो खजूर बेचता है या खजूर बेचने वाला जो ऊँट चराता है, उससे तुम्हें क्या? क्या बात है? क्या चाहिए? किसे ढूंढ रहे हो? चोर भटक रहा है चोर पकड़ने के लिए। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं यहाँ के हाकिम हारिस का सिपाही हूँ, इब्ने अखनस। दिखता नहीं क्या? क्या है ये? अच्छा, ये सब बेचने के लिए है, लूटने के लिए नहीं। ए, चल घोड़े, चल चल। अरे चलता क्यों नहीं? चल। यह सरिप किस तरफ है? उस तरफ। मोहम्मद को पहचानते हो? तुम लोग कौन हो? बाजान के कासिद यमन से। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मर्द, औरतें, यसरिब के बाशिंदे? तुम्हारा शहर तो रूहों का शहर लगता है। नमाज जोहर का वक्त है, सब मस्जिद में है। तुम मुसलमान हो? नहीं, नहीं हूं। नहीं हो? नहीं हो और फिर भी मोहम्मद के लिए असलहे बनाते हो? अच्छी उजरत लेता है। बनाता हूँ लेकिन उजरत नहीं लेता। सैकड़ों तलवारें और नेजे मोहम्मद की एक मुस्कान पर निछावर। मैं मोहम्मद का आशिक हूँ। अगर यमन के बाजार के चोर यहाँ होते तो सब का सब लूट ले जाते। दुनिया भर की चीजें यहाँ मौजूद है। लोग मोहम्मद से शर्म करते हैं, चोरी उनके दीन में हराम है। ये कौन सी जगह है? मस्जिद रसूल खुदा। आओ हम उस मर्द अरब के जमाल को भी देखें। उसमें क्या देखा कि ये दिन भर पसीना बहाता है और कोई उजरत भी नहीं लेता? ये सब उस अनपढ़ अरब के मानने वाले हैं? सेहरा नशीन बद्दू अरब कब आएंगे? जब तक नमाज तमाम न हो जाए बाहर नहीं आएंगे। सलाम अलैकुम। क्या हो गया? वो कहाँ है? नहीं देखते? वही जो सफेद लिबास पहने हुए हैं। यहाँ तो सब के सब सफेद लिबास पहने हुए हैं। यही तो उनकी सीरत का कमाल है कि वो सब की तरह है और सब उनकी तरह। वो कभी खुद को दूसरों से बर्तर नहीं समझते।
हमेशा कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। दुरूद हो तुम पर ए मर्द ए अरब। क्या तुम वही अरब हो जिसने नबुवत का दावा किया है? मेरा नाम सलमान है, मैं एक अजम हूं, रसूले खुदा के पैरोकारों में से हूं। हम हाकिम यमन अमीर बाजान के कासिद हैं, शहंशाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम लाए हैं। यहीं बगैर खातिरदारी के? शाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम महो मोहम्मद रसूलल्लाह के नाम। मेरे आका रसूल खुदा को पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने जानू पेकी। फरमा रहे हैं तुम्हारे अमीर का ये पैगाम है कि खुसरो परवेज को इस्लाम की दावत देने की जो गुस्ताखी की है उसकी माफी मांगो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज रात आप रसूल खुदा के मेहमान हैं, कल सुबह आपको आपके अमीर का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ कुछ ही दूर तुम्हारे साथ आऊंगा लेकिन यमन नहीं लौटूंगा। इस बयाबान में डाकू लुटेरे दरिंदे बहुत हैं। मेरा खुदा मेरे साथ है। बाजान पूछे तो क्या कहूँ, कह दूं बाबू ये मुसलमान हो गया है और ये सिर्फ में ही रुक गया। बाजान पूछे तो कह देना कि बाबू ये मर गया, रास्ते में ही चल बसा, भेड़ियों ने से चीर फाड़ डाला, कुछ भी कह देना। एक तरफ ईमान है तो दूसरी तरफ घर और जिंदगी। रसूल खुदा की कुफ्फारे मक्का के साथ हुई सुलह हुदैबिया ने तो हमें अपने घर से दरबदर कर दिया है। अगर ये दुनिया और ये घर हमेशा के लिए होता तब तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आता। ऐसी चीज की तलाश करो जो हमेशा बाकी रहे। सुलह हुदैबिया की वजह से हम बयाबानों में दरबदर फिर रहे हैं, ना तो मक्का जा सकते हैं और ना ही यसरिब, हम कहीं के नहीं रहे। इससे पहले भी तो तुम सुबह शाम घर में बेकार बैठे अपने आप से बातें करते थे, कहीं मिल बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। कुछ किए बगैर ही तुम्हें सब कुछ मिल गया। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं एक ताजा मुसलमान। अगर मदीना जाऊं तो मोहम्मद मुझे कुरैश के हवाले कर देंगे। मोहम्मद सिर्फ वही करते हैं जो खुदा चाहता है। तुम क्या समझते हो कि खुदा को हमारा ख्याल नहीं है? मैं तो ये जानता हूं कि खुदा और रसूल खुदा हमें बहुत चाहते हैं। उनकी हिकमत देर से मालूम होती है। कुरैशी, 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 हाशिम, मुसय्यब, अब्दुल्ला, अब्दुशम्स, अब्दुल्ला,
आवाज है मुसलमानों, सुन लो, हमारे साथी रास्ते में है। अगर अमान चाहते हो तो हमारी इताअत करो। औरतें बच्चे एक तरफ, मर्द एक तरफ। वहां क्या हो रहा है? चलो जल्दी। चल चल जल्दी कर जो कुछ है निकाल। जल्दी करो, जो भी है निकालो, जल्दी करो, गर्दन उड़ा दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी कर, रख दे। वो भी जल्दी कर, खोल उसे, खोल। जख्मी हो गए। जाओ और उसे कह दो बाबू ये मर गया, रास्ते में ही वो चल बसा। बयाबान के वहशी दरिंदों ने उसे चीर फाड़ के खा लिया। और कुछ? बाबू ये अरे काश मर ही जाते और मुसलमान ना होते। पैगाम ये लो पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि सब सुने। खुदा के नाम से जो रहमान और रहीम है, मोहम्मद रसूल अल्लाह के जानिब से हाकिम यमन बाजान के नाम,
खुसरो परवेज शाह ईरान बरोज मंगल दसवीं जमादी उल अव्वल अपने बेटे शिरुये के हाथों मारा गया। मारा गया खुसरो परवेज शाह ईरान। राहे हल की तलाश करनी चाहिए। इस यमन में रोजाना गिरोह गिरोह यमनी मुसलमान हो रहे हैं। अमीर बाजान को मालूम रहे, उसने तो यमन के बादशाह को भी अपने दीन की दावत दी है। उसने खुसरो परवेज शाह ईरान को कहा तुम मुसलमान बन जाओ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसने शाह यमन हारिस इब्ने अब्दे के लाले हिंगरी को अपने दीन की दावत दी। कोई राह हल हो तो बताओ। हारिस, उस अनपढ़ अरब ने इसमें शाहे ईरान खुसरो परवेज के कत्ल के बारे में लिखकर हमें ललकारा है। ये ऐसी गुस्ताखी है जिस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि ये मर्दे अरब अपना लश्कर लेकर यमन पर हमला करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लोग यहां यमन में बैठे क्या चाहते हैं। हाकिम में यमन बाजान के हुक्म के मुताबिक जो भी मोहम्मद के दीन पर हैं अब अमान में नहीं। उसके दीन के मानने वालों के लिए इस सरजमीन में कोई जगह नहीं। जो भी इस नए दीन पर ईमान लाएगा वो कत्ल, उनके अमवाल जब्त और उनके घरों को जला दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल रात घर पर ही नहीं थे। काश आज भी रात वो घर ना आए। पैरोकार हो? हाँ हूँ, गुनाह है। और तुम? काश मैं भी होती। तुम होते कौन हो पूछने वाले? शिकारची, उसका शिकार करके रहूंगा। शिकारची? सिपाही कौन ठहर जाए। जी हुजूर। हे चलो आगे बढ़ो। सलाम हो शाही यमन हारिस के सिपाहियों पर। तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? मेरे ऊंट? इब्ने अखनस ने कहा कि चरवाए हो, क्या नहीं हो? मेरे पास तो एक बकरी भी नहीं है, ऊंट तो दूर की बात। तो तुम क्या करते हो? भीख मांगता हूँ। बदले में क्या चाहिए? अगर कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगे? मैंने सुना है नए मुसलमानों पर क्या बीत रही है, ये भी जानता हूँ कि तुम किसकी तलाश में घूम रहे हो। अगर मैं बता दूं तो क्या वो सब सिक्के तुम मुझे दे दोगे? है? ये बताओ कि 12 दिरहम की अबा कैसी रहेगी? 12?
बारह दिरहम की अबा जुबैर और बारह दिरहम की अबा, हे खुदा मैं ये क्या सुन रहा हूँ। शर्म की बात नहीं है कि तुम जैसे कद का आदमी ऐसे बोसीदा कपड़े पहने? मैंने 6 महीनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरा कुछ तो भला करो। तो फिर क्या खा के जिंदा हो? हवा खा के ये गुस्ताखी है, लेकिन अगर एक बकरे का इंतजाम हो जाए तो कबूल कबूल। काम की बात करो। वो चरवाहा रात को घर पर नहीं रहता। सलाम हो तुम पर। सलाम हो तुम पर। सलीम, मेरी माँ। बड़ी कीमती अबा है, कहीं चोरी की तो नहीं है कैस? काश होती। कत्लेआम किया, दर बदर किया, आग में जला दिया, लेकिन लेकिन फिर भी शाह यमन मोहम्मद का लश्कर कहां है? क्या मोहम्मद के पास लश्कर है भी? हाँ, लश्कर है, जंगे भी लड़ी है, सिवाय एक जंग के उसने सभी जंगे जीती है। तो क्यों अपने मानने वालों की हिमायत में यहां नहीं आता ताकि हम उसे जंग का सलीका हार का मजा चखा दें? हाँ, कौन है ये मोहम्मद? एक आम अनपढ़ आदमी जो कुछ अरसे पहले तक तिजारत किया करता था। एक ताजिर, वो भी बिना पढ़े लिखे, किस तरह इतना बड़ा हो गया? जब से मोहम्मद के खिलाफ कुरेश के दरमियान हुए अहदनामे को दीमक ने खा लिया। कुरेशियों के मुआहदे की वजह से मोहम्मद और उनके मानने वाले मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई उनसे ना कुछ खरीदे, ना ही कोई उन्हें कुछ बेचे, कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का रब्त जब्त ना रखे। मुआहदा खाल पर लिख कर काबे की दीवार पर लटका दिया। और उसके बाद यही आम अनपढ़ ताजिर जो दूसरों के माल से तिजारत किया करता था, 2 साल के बाद कहने लगा कि उस अहदनामे को दीमक ने खा लिया है। क्या खा लिया था? खा लिया था।
बताओ कौन है यमन में मुसलमानों का सरदार? सरदार? क्या इस ग्रोह का कोई सरदार नहीं? सरदार नहीं, लेकिन एक है जो आपसे हम कलाम होने के लायक हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? औरतों को बाज खबरें पहले मिल जाती है जो मर्दों को बाद में पता चलती है। हमेशा ऐसा ही हुआ है। क्या कहना चाहती हो? आजकल औरतों की महफिलों में एक खूबसूरत लड़की का किस्सा आम है कि जो सुना है एक चरवाहे पर मरने लगी है। इस शहर में सुलेमान और मलिकाए सबा के किस्से को सभी जानते हैं। वो